Good morning, students. Welcome to online study classes of CR International School. So let's continue our topic. हम read कर रहे थे linear equations into variables. अब देखिए 3.3 complete हो गई है, जहाँ पे हमने पढ़ा था substitution method to solve the pair of linear equations in two variables. Next exercise is 3.4, जिसमें हम पढ़ेंगे elimination method to find the solutions of pair of linear equation in two variables. ठीक है, मतलब वही है, हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, हमें उनको सॉल्व करना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. लेकिन अब हम अपना जो मेथड जो यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो अपने क्वेश्चन से समझते हैं. नाम से क्लियर है कि एलिमिनेशन मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट, मीन्स हमें कुछ ना कुछ खत्म करना है यहाँ पे. ठीक, तो यहाँ क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर. ठीक, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक एक्स है और एक कितना है वाई. ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हो गई सेकेंड, मर्जी आपकी, आप एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और वाई को भी कर सकते हैं. ठीक, तो हम पहले दोनों मेथड से कर लेंगे. हम पहले क्या कर रहे हैं, एलिमिनेटिंग एक्स, एक्स को हम ख़त्म करेंगे. ठीक, अब देखो उसके लिए क्या करोगे, जो हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो आप x के कोफिशियंट्स को सेम बनाओ. ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशियंट कितना है, मीन्स x के आगे कितना लिखा हुआ है 1. सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट कितना है 2. ठीक, सेम बनाना है. तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ. ठीक, तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कितनी हो जाएगी, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन. ना काम समझ में आया, ठीक है. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर चुके अब, और फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गई थर्ड में. क्लियर, तो अब हमारे पास दो नई इक्वेशन कौन कौन सी हो गई, थर्ड और एक सेकेंड, जिसका अभी तक हमने यूज नहीं करा. ठीक, ज़्यादा क्लियर हुआ. अब क्या करना है, हमें x को एलिमिनेट करना है. फर्स्ट थर्ड में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब हम बात करेंगे सिर्फ थर्ड की और सेकेंड इक्वेशन की, क्योंकि सेकेंड का अब तक हमने यूज़ नहीं करा. अब देखो इन दोनों इक्वेशन में मेरे को x को एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना है. ठीक, तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी 2x है कोफिशिएंट, यहाँ भी कितना है 2x है. ठीक, तो अगर मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड, थर्ड इक्वेशन को सेकंड वाले में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखो सेकंड में से थर्ड को कर रहे हैं, तो पहले LHS, LHS में से LHS माइनस, सेकंड इक्वेशन का LHS कितना है 2x माइनस 3y, ब्रैकेट माइनस, थर्ड इक्वेशन का LHS कितना है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, क्लियर. RHS में से RHS माइनस, RHS कितना है 4 माइनस 10. यहाँ तक क्लियर हुआ. ठीक, अब देखो कितना हो गया ये 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 6. इतना क्लियर हो गया. अब देखो 2x से 2x कैंसिल, कितना रह गया माइनस 3y माइनस 2y, दैट इज माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6. तो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5, दैट इज 6 अपॉन 5. क्लियर, आगे मेरे पास y की वैल्यू, x क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, यही हमें करना था. y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, क्लियर हो गया यहाँ तक. अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू भी फाइंड करनी है. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप अपना फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. ठीक, तो हम इसको फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, सिंपल इक्वेशन यही है. तो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5. क्लियर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन 5, दैट इज एलसीएम लोगे कितना आएगा इसका 5, 25 माइनस 6, दैट इज 19 अपॉन 5. एक्स की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 5 और वाई की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 5. क्लियर हुआ. मिस एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है. वो आपकी मर्जी है, एक्स को भी कर सकते हो और वाई को भी कर सकते हो. एलिमिनेट कैसे करेंगे, जिस भी हमने सोच लिया कि हम एक्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक,
तो दोनों इक्वेशन में आप x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि अगर सेम साइन है तो दोनों को माइनस कर दो जिससे वो कैंसिल हो जाए, अपोजिट साइन है दोनों को प्लस कर दो जिससे वो क्या हो जाए हमारे पास कैंसिल हो जाए, हमें कैंसिल ही करना है, उसको एलिमिनेट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर कि y इज इक्वल टू 6/5, x इज इक्वल टू 19/5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन लिखते हैं नोटबुक में, फर्स्ट क्वेश्चन दोनों मेथड से करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है आप कैसे कर सकते हैं। 2x-3y is equals to 4, ठीक। अभी हमने x को एलिमिनेट किया था, अब कोई कहता है कि हम तो y को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है y को कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड। हम चाह रहे हैं कि हम एलिमिनेटिंग y, वी वॉन्ट टू एलिमिनेट y, ठीक है। अब y को एलिमिनेट करना है तो क्या बताया था, जिसको एलिमिनेट करना है उसका कोफिशियंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। तो सिर्फ पहले यहाँ पे नंबर की बात करते हैं, y के आगे 3 है और यहाँ पे कितना है 1, इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। सिंपल है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x+3y = 15, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। हमें अब y को एलिमिनेट करना है तो y के हमने कोफिशिएंट सेम बनाए, ऊपर साइन को छोड़ देना सिर्फ नंबर, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 3। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये हो गया 3x+3y = 15, मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म को, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज हो चुका, फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गई थर्ड इक्वेशन में, ठीक। अब कौन सी दो इक्वेशन यूज करेंगे हम, सेकेंड और थर्ड वाली इक्वेशन, क्लियर हो गया। अब हमें y को एलिमिनेट करना है तो आप ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ कितना है -3y, थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे कितना है +3y, ठीक। तो सेकेंड और थर्ड को अपोजिट साइन आ रहे हैं ना, ठीक है, हमें y को एलिमिनेट करना है तो आप बताओ सेकेंड और थर्ड को प्लस करें या माइनस करें जिससे कि 3y से 3y कैंसिल हो जाए, यहाँ -3y है यहाँ +3y है, तो सिंपल दिखा है इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए -3y + 3y कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऐसे समझ लो इसको, अगर हमारे पास सेम साइन होता है तो हम माइनस करते हैं, अपोजिट साइन होता है तो हम प्लस करते हैं, ठीक। वैसे आपको देख के पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर देते हैं, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ऐड कैसे करेंगे, LHS में LHS ऐड, RHS में RHS ऐड, तो ये हो गया 2x-3y + 3x+3y = 4+15, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये कितना हो गया हमारे पास 2x-3y + 3x+3y = 19, इतना क्लियर। अब देखो -3y से +3y कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है, और 2x+3x कितना हो गया 5x = 19, thus x = 19/5, यहाँ से भी x की वैल्यू 19/5 आ रही थी और यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, क्लियर हुआ। अब हमें फिर से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू के लिए आप अपनी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड इक्वेशन में से किस में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे मन में हम उसको सिंपल इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है उसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ गया फ्रॉम फर्स्ट x+y = 5, x की वैल्यू 19/5 + y = 5, दिस इम्प्लाइज y = 5-19/5, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना हो गया 25 कितना हो गया 6, thus y = 6/5, यहाँ से भी y की वैल्यू सेम आ रही थी और यहाँ से भी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6/5, क्लियर हो गया। आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोनों उससे करोगे एलिमिनेटिंग x एलिमिनेटिंग y, बाकी जो क्वेश्चन है वो जो आपको इजी लगता है उससे करेंगे, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज, अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशंस है 3x+4y = 10, ठीक, और एक है 2x-2y = 2, फिर से हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, इनको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देखो पता कैसे रहेगा कि y को एलिमिनेट करें या x को एलिमिनेट करें, आप ये ध्यान रखो एलिमिनेशन मेथड में मेरे को कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, ठीक। x के कोफिशिएंट दोनों सेम कब बन पाएंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, क्योंकि 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, मतलब x का कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से,
तभी हमारे पास सेम बनेंगे, 6 और 6, इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो y का कोफिशियंट सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशियंट कितना है 4, सेकंड में y का कोफिशियंट कितना है 2, एक बार सिर्फ नंबर ले रहे हैं, कोफिशियंट है 2, ठीक, 4 और 2, तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि y का कोफिशियंट सेम कब बन सकता है, जब सेकंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, क्लियर हो रही बात? x के कोफिशियंट सेम बनाने के लिए हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y का कोफिशियंट सेम बनाने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम बन सकते हैं, ठीक, इसका मतलब इजी कौन सा है, मतलब दोनों से कर सकते हैं, लेकिन y का कोफिशियंट सेम बनाना ज़्यादा इजी है, सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेटिंग y, क्लियर हो गया, एलिमिनेटिंग y, y को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशियंट कितना है 4, सेकंड में कितना है 2, मींस -2 है लेकिन सिर्फ नंबर लेके चलते हैं, दैट इज 2, ठीक, तो क्या करें, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2, उसे मल्टीप्लाई कर दो, कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना हो गया ये 2 × 2x 4x माइनस 2 × 2y 4y 2 × 2 दैट इज 4, ये आ गई आपके पास थर्ड इक्वेशन, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो सेकेंड इक्वेशन का हम यूज कर चुके हैं और सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस हो गई किसमें, थर्ड में, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन का अब तक यूज नहीं हुआ, तो आपको अब कौन से दो इक्वेशन का यूज करेंगे, फर्स्ट और जो नई इक्वेशन आई है थर्ड, ठीक, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को बिल्कुल ध्यान से देखो, y को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट में y का कोफिशियंट मतलब जो y वाली टर्म है वो कितनी है +4y, थर्ड में कितनी है -4y, ठीक, इधर आ रहा है +4y, इधर आ रहा है -4y, अपोजिट साइन है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, एड, बस सिंपल एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, LHS में LHS एड, LHS कितना है वहाँ पे 3x + 4y, प्लस में इधर LHS कितना है 4x - 4y, क्लियर, इज इक्वल्स टू RHS कितना है यहाँ पे 10+ और यहाँ पे कितना है 4, क्लियर, अब ये हो गया हमारे पास 3x + 4y + 4x - 4y = 14, 4y से 4y कैंसिल, 3x + 4x कितना हो गया हमारे पास 7x = 14, दिस इंप्लाइज x = 14/7, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, क्लियर हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड किस में वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं 14 फर्स्ट, तो ये हो गया 3x, x कितना आया था 2 + 4y = 10, कितना हो गया 6 + 4y = 10, दिस इंप्लाइज 4y = +6 है, इधर आके माइनस, 10 - 6 = 4, दस y = 1, दिस इज योर आंसर, ठीक, अब थर्ड पार्ट इज, देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 3x - 5y - 4 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 9x = 2y + 7, ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे तो दोनों इक्वेशन थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में गिवन है, तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखिए ये +4 है, इधर आए कितना हो गया, सॉरी -4 है, उधर आके +4, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी 3x - 5y = 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ऐसे ही इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो ये +2y है, इधर आके -2y, ये हो गया 9x - 2y = 7, ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, अब फिर से वही कि x का कोफिशियंट सेम बनाए या फिर y का कोफिशियंट, मीन्स हम x को एलिमिनेट करें या फिर y को, ठीक है, तो आप ध्यान दो x का कोफिशियंट सेम बनाने के लिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पहले से 9 है, ठीक, मीन्स x का कोफिशियंट सेम बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, और y का कोफिशियंट सेम बनाने के लिए यहाँ कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 2, ठीक, इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्लियर हो रही है बात, ठीक, तो y के लिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 से और सेकेंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक, अब देखो y के लिए दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, x के लिए सिर्फ एक इक्वेशन को, तो इजी कौन सा है, x वाला, तो हम वही कर लेते हैं, एलिमिनेटिंग x, x को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन
बाय थ्री। फर्स्ट इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दे, कंप्लीट पूरे को थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया ये 3 × 3x 9x, 3 × 5y − 15y = 12, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो नई इक्वेशन थर्ड और सेकंड कब तक हमने यूज नहीं करा, अब सिंप्लीफाई करना है सेकंड और थर्ड को। ठीक है, तो आप ध्यान दो कितना आ रहा है यहाँ पे 9x और यहाँ भी कितना है 9x, इनको हमें एलिमिनेट करना है। दोनों का साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। थर्ड को हम सेपरेट कर रहे हैं कहाँ से, सेकंड में से, तो LHS में से LHS माइनस, LHS कितना है 9x − 2y, और हमेशा ब्रैकेट यूज करा दो, 9x − 2y आया LHS, और इधर से LHS कितना है 9x − 15y = 2, इधर RHS कितना है हमारे पास 7 − 12, इतना क्लियर। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 9x − 2y माइनस 9x, साइन चेंज रहेंगे, प्लस 15y = −5, 9x से 9x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 15y दैट विल बी 13y = −5, तो y = −5/13। अभी आपके पास y की वैल्यू, x की वैल्यू के लिए आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर सकते हैं, सिंपल पड़ता है ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो वही है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा ये 3x − 5y, y की वैल्यू −5/13 = 4, क्लियर। ये हो गया हमारे पास 3x + 25/13 = 4, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इंप्लाइज 3x = 4 − 25/13, क्लियर। ये हो गया 27/13, तो 3x = 27/13, ठीक है, तो x will be equals to, ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आए क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना हो गया 27 3 13, कैंसिल, देन x will be 9/13, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हुआ, वही सेम मेथड है, बस एक बार समझ में आती है अच्छे से। क्लियर, देखिए लास्ट पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, x/2 + 2y/3 = −1, x − 5/3 = 3, ठीक, हमें इनको सॉल्व करना है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, जब भी फ्रैक्शन में आए इसको पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लें। ठीक, देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x/2 + 2y/3 एलसीएम कितना आ गया इसका 6, 2 और यहाँ पे 6 कितना हो गया ये 3x + 4y = −1, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 3x + 4y = −6। अभी फर्स्ट इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम पढ़ते आए हैं, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन x/1 − y/3 = 3, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा इसका 3, कितना हो गया ये 3x − y = 3, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3x − y = 9, ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, क्लियर हो गया। ठीक है, अब भाई हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो अब देखते हैं कि x को इजी पड़ेगा या फिर y को। तो हमने क्या देखा, x का कोफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पर भी कितना है 3, तो बिल्कुल सिंपल हो गया, यहाँ पर भी 3x है यहाँ पर भी 3x है, तो कोई जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की क्योंकि पहले ही कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, तो सिंपल से है क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस, तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS 3x + 4y माइनस में 3x − y = −6 − 9, क्लियर। ये हो गया 3x + 4y − 3x + y = −15, 3x से 3x कैंसिल, 4y + y दैट विल बी 5y = −15, y = −3, −3 कैसे आया, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, −15/5 दैट विल बी −3, y की वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू के लिए आप इसको अपने किसी भी इक्वेशन, दो इक्वेशन है कहीं पुट कर लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट इन फर्स्ट, ये हो गया 3x + 4y, y की जगह पे −3 = −6, ये हो गया 3x − 12 = −6, 3x = −6 + 12, 3x = 6, x = that will be your answer। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अगर आप इसकी स्टेटमेंट रीड करोगे तो आपको जितने भी 4 पार्ट्स हैं इनको आपको एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी,
सब्स्टिट्यूशन बता दिया गया था, तो उसको आप खुद कर सकते हैं, एलिमिनेशन आपको आज पता।